सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस, आज माइनक्राफ्ट में हम बनाने वाले हैं बैम्बू फार्म। और गाइस, ये बैम्बू फार्म बनाना सच में बहुत ही ज़्यादा इजी है। और इस बैम्बू फार्म से हमें अनलिमिटेड टाइम के लिए भाई बैम्बू मिलेंगे। और भाई बैम्बू से हम स्टिक्स बना सकते हैं और अपने चढ़ने के लिए एक टाइप की स्टेयर्स होती हैं वो भी बना सकते हैं। मैं उनका नाम भूल गया वैसे। और भाई हम बैम्बू को जला सकते हैं फर्नेस में, लेकिन भाई उसके लिए मैंने अलग से लावा फार्म भी बनाया है। लावा भी यूज़ कर सकते हैं हम फर्नेस में। भाई एक लावा बकेट है वो 64 वुडन स्टैक्स के बराबर होती है। सो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं बैम्बू। सो गाइस, फार्म बनाना स्टार्ट करेंगे अभी हम लावा फार्म के साइड में। यहाँ पर हमें 7 ब्लॉक्स को खोदना है एक लाइन में। सो 7 ब्लॉक्स हम माइन कर लेते हैं डर्ट पे। तो ये हमारे हो चुके हैं 7 ब्लॉक्स। तो 7 ब्लॉक्स को अभी हमें सामने की साइड ऐसे ही प्लेस करना है जैसे हमने पिछले उसमें शुरू के फार्म में किया था। एक ब्लॉक छोड़कर बाकी 7 ब्लॉक्स को हमें वापस प्लेस कर देना है। अभी हमें एक एक्स्ट्रा ब्लॉक खोदना है इस साइड, क्योंकि भाई इसमें पानी डालेंगे तो हम होपर के ऊपर पानी ना जाए, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा ब्लॉक है एक वो खोदा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इनके ऊपर पिस्टन लगाएंगे जितने भी डर्ट ब्लॉक हैं। तो हमने 7 डर्ट ब्लॉक्स खोदे थे, तो हम 7 डर्ट ब्लॉक के ऊपर अब पिस्टन लगा देंगे। पिस्टन लगा देने के बाद भाई हमारा जो है फार्म की वो थोड़ी सी लुक भी अच्छी आ रही है दिखने में। सो हमने लगभग जो है फार्म का बेसिक सा जो स्टेप एरिया वो तैयार कर लिया। अब हम जैसे यहाँ पर पानी डालेंगे तो वो यहाँ पर 7 ब्लॉक्स तक ट्रेवल करेगा। तो ये अगला ब्लॉक हम तोड़ देते हैं। और अभी हम यहाँ पर लगाएंगे होपर। तो नीचे का एक ब्लॉक तोड़ देता हूँ और अभी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ होपर। तो भाई जो होपर है उसमें जितना भी हम तोड़ेंगे तो जो टूटेगा जो भी बैम्बू है वो सारा चेस्ट में कलेक्ट होगा। तो उसके लिए हमने होपर इस टाइप से लगाया है कि वो इस डर्ट ब्लॉक से कनेक्ट होना चाहिए था जहाँ पर हमारी चेस्ट है। तो हमारी चेस्ट में अब जो है सीधा शुगर केन कलेक्ट हो जाएगा, सॉरी बैम्बू कलेक्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर लगाएंगे थोड़ी से कोबलस्टोन ब्लॉक। तो अभी हम यहाँ पर सारे कोबलस्टोन लगा देते हैं। तो हमें जो कोबलस्टोन है वो इन पिस्टन्स के पीछे लगाना है। एक ब्लॉक नीचे छोड़ देना आपको स्पेस। तो यार वहाँ पर तो लावा फार्म है, कहीं लावा फार्म में ना गिर जाऊँ भाई। तो अभी मैंने जो है सभी के ऊपर लगभग लगा दिया है, एक एक पीछे पिस्टन्स के पीछे हमने लगा दिया है कोबलस्टोन ब्लॉक। और अभी जो है हमारा जो फार्म है वो बनकर लगभग आधा तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल सिंपल फार्म है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इस फार्म में। और आप इसे चाहो तो मल्टी फ्लोर भी तैयार कर सकते हो। अभी भाई ये इतना बनकर तैयार होने के बाद अभी हमें लेने हैं ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स को हमें कुछ इस टाइप से लगाना है कि उनका फेस है वो सामने की तरफ हो, ऐसे नीचे या उल्टा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे तोड़ देता हूँ, ये गलत लग गया है। सो बैठ कर लगाता हूँ मैं। सो अभी इन सभी ऑब्जर्वर्स को मुझे ऐसे लगाना है कि इनका फेस पिस्टन की साइड हो, क्योंकि भाई सामने जैसे ही बड़ा होगा तो जो बैम्बू है वो इनके फेस तक पहुँचेगा तो वो ये ऑटोमेटिकली उसे तोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो वाटर में गिरेगा। वाटर में गिरने के बाद वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएगा हमारी चेस्ट में होपर में। तो अभी इन्हें पावर देने के लिए हमें रेड स्टोन है उसे लगाना होगा इन स्टोन ब्लॉक्स के ऊपर जो हमने स्टोन ब्लॉक्स लगाए थे। क्योंकि स्टोन ब्लॉक्स के ऊपर हम रेड स्टोन नहीं लगाएंगे तो इन पिस्टन को और इन होपर को पावर नहीं मिलेगी। तो अभी इन्हें पावर देते हैं हम। तो हमने सभी जो है स्टोन्स के पीछे मतलब होपर्स के पीछे हमने रेड स्टोन भी लगा दिया है। अभी बारी है भाई बैम्बूज की। तो हम सारे बैम्बू हैं वो लगा देते हैं। भाई ये फार्म आपके लिए मेरे ख्याल से इनफ होना चाहिए, क्योंकि भाई बैम्बू बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो भाई बैम्बू की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको अनलिमिटेड बैम्बू मिलेंगे। वो भाई बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं ये बैम्बू। सो अभी हमें जो है सामने की तरफ ग्लास लगाते हैं और अभी इसकी फिनिशिंग करते हैं, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। सो मैं ये काम जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो अभी हमारा काम और
जो है बाकी फिनिशिंग का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। सामने की साइड मैंने ग्लास लगा दिया है और कलेक्टिंग एरिया को थोड़ा अच्छा बना दिया है। सो गाइस अभी हम टेस्ट करते हैं। सो ये मैं यहाँ पर बैम्बू लगाता हूँ और जैसे मैंने बैम्बू लगाए वो ऑटोमेटिकली टूटकर वाटर में गिर गए हैं। पिस्टन्स ने अच्छा काम किया हमारे वर्कर्स ने। सो हमारा काम फॉर्म बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पर चेस्ट में भी कलेक्ट हो गए हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।